अलैकुम। सही, क्या हाल वाला यूज़र? ठीक ठाक हो? तबीयत से ठीक है? फिट फाट हो? मैं तो राशिद मलिक, तो सारे इधर मेरा यूट्यूब चैनल मलिक स्टूडियो। आज ऐसा है वजह से इस्लामिक यूनिवर्सिटी तो फिर कहें अजी था पानी को नहीं ये देखो ये बनना ये अजी वाजिद भाई देखो ये देखिए वाजिद भाई है। वाजिद भाई क्या है, क्या कर रहे थे यार? ये ड्रामा क्या हुआ? इन्होंने ना भी पानी आई यूनि में, अभी पेपर भी देना है, पेपर के लिए पानी भी नहीं आया। पेपर कितने बजे है? 2:30 बजे पेपर है यार हमारा। किस चीज़ का? 2 घंटे हो गए पानी नहीं मिला। पानी नहीं मिला? कहीं और से जाके पी लो। नहीं भी नहीं मिला यार। क्यों? ये फिर यूनिवर्सिटी में मज़ा नहीं है? हाँ, ऐसी यूनिवर्सिटी है, कोई मज़ा नहीं है। पानी भी नहीं आ रहा यार। ये है आफ्ताब। ये चुड़ा हुआ खड़ा है। हाँ बिल्कुल यार, पानी नहीं है। जब से कैंटीन ओपन हुआ है ना, उस दिन से कसम से इन्होंने बर्बाद किया हुआ है। हर चौथे दिन पानी नहीं होता, दूसरे दिन ये आप ना पानी की तंगी आ गई है यूनिवर्सिटी में। अच्छा, चलो अल्लाह खैर करे, इनको अल्लाह याद है, लेकिन लग तो नहीं रहा। सही। इधर यूनिवर्सिटी का माहौल कैसा होता है, थोड़ा माहौल के बारे में बता सकते हैं? माहौल अल्हम्दुलिल्लाह फिट होता है, लेकिन बस यही इशू चल रहे हैं कि कभी लाइट, कभी पानी, कभी क्या, कभी क्या। अच्छा, माहौल वगैरह सही होता है? मतलब पेपर वगैरह में सख्ती होती है या नहीं ज़्यादा? हाँ, पेपर में बहुत सख्ती होती है, क्योंकि 2-3 निगरान होते हैं। अच्छा, बिजली भी नहीं होती यार इधर। बिजली भी नहीं होती? बिजली भी नहीं होती इधर। रमज़ान में क्या हिसाब किताब है यूनि का? नासिर भाई आ गया हमारा, इससे भी इंटरव्यू लें यार। पानी नहीं आया इधर, क्या चाहिए यार, कह रहा है इधर यूनिवर्सिटी। अब इस ये देखिए, ये ईद मिल रहे हैं रमज़ान के बाद आ जाए ना, ये ईद मिल रहे हैं। हाँ। अच्छा आफ्ताब, मुझे ये बताएं रमज़ान के हवाले से टाइम क्या थे इधर यूनिवर्सिटी के? भाई टाइम टेबल तो बेहतरीन था अल्हम्दुलिल्लाह। 11 बजे आते थे, 2 बजे क्लासें ख़त्म हो जाती थी, तो टाइम भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो पॉइंट कितने बजे चलता था? पॉइंट 2:15 बजे, 1:30 बजे, बस मुख्तलिफ टाइम था। अच्छा, कितनी देर में पहुँच जाते थे घर? आधा घंटा लग जाता था। अगर पॉइंट जल्दी चले जाते थे तो जल्दी पहुँचते थे, क्योंकि पॉइंट अक्सर लेट हो जाते थे इस वजह से, क्योंकि ये IUBR वगैरह कैंपस है। सही। इधर ना पॉइंट वगैरह का भी इशू होता है। क्या यूनिवर्सिटी में मैम ज़्यादा रोज़ा रख के आते थे या बस ऐसे ही जब देखो पानी के पीछे भागती रहती थी? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह 80% तो आवाम रख के आती थी, क्योंकि 20% थी जो कि शायद किसी बीमारी के वजह से ना वो रोज़ नहीं रख पाते थे। अच्छा, ये थे जी यूनिवर्सिटी का हाल वाल, आपको बता रहे थे मेरे फ्रेंड। ठीक है सर, यहाँ तक हम होता है वीडियो के एंड, और जब और नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो आपको दिखाएंगे यूट्यूब पर। तब तक के लिए हाफिज़।